हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अगर जो आपका फॉर्म यानी कि DWO से रिजेक्ट हो चुका है तो आप लोग क्या कर सकते हो। दोस्तों, हम आप लोगों को सलूशन देके आप लोग कैसे दोबारा से वेरीफाई करवा सकते हो। दोस्तों, स्टूडेंटों के दोबारा से वेरीफाई हो रहे हैं रिजेक्ट हुए फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलती के कारण उनके रिजेक्ट किए गए थे और स्टूडेंट ने अपना जब डाटा कॉलेज वालों को दिया तो वहाँ से कॉलेज वालों ने डाटा भेजा समाज कल्याण को, तो समाज कल्याण के ऑफिसर ने जो DWO के होते हैं उन्होंने वेरीफाई कर दिया। सो क्या है डिटेल हम आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों को पूरा समझना है। जो चैनल पे नए कृपया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपना स्टेटस आप लोगों को सिंपली अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे वेबसाइट आप लोगों को सर्च करना है जिसका नाम है sarkarijob.co। ये वेबसाइट जब भी आप लोग अपने गूगल पे इंटर करोगे यहाँ से अब आप लोगों को आएगा UP स्कॉलरशिप, यहाँ पे अकाउंट 2021, यहाँ पे ये देख रहे हो चेक बैंक अकाउंट 2021 में, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को बता दूं जो भी UP स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहती है। दोस्तों, यहाँ से जब भी आप लोग नीचे आओगे यहाँ से अब आप लोगों को अपना जो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के हैं वो यहाँ फ्रेश रिन्यूअल सेलेक्ट करेंगे। जो पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के हैं वो यहाँ से फ्रेश रिन्यूअल सेलेक्ट करके अपना आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और अपना आप लोगों को पासवर्ड और अपना आप लोगों को कैप्चा ये सब कुछ डाल के अपना आप लोग स्टेटस देख सकते हो वेरीफाई हुआ कि रिजेक्ट हुआ। ये आप लोगों को सिंपली अपने चेक करना है अपना फॉर्म को, ठीक है, आसानी से चेक कर सकते हो भाई। यहाँ से रजिस्ट्रेशन, जन्मतिथि, पासवर्ड, कैप्चा नीचे सबमिट करिए, ठीक है। आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए क्लिक करके आप लोग स्टेटस देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाएंगे बहुत सारे स्टूडेंटों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए गए। उन्होंने देखा तो उनके जो फॉर्म थे वो यहाँ पे शाम को रिजेक्ट हो चुके थे, यानी उन्होंने आज की डेट में चेक किया। दोस्तों, हम आप लोगों को डेट भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये आज ही की डेट में इन्होंने अपना फॉर्म को जब सुबह उठे तो इन स्टूडेंटों ने चेक किया तो इनका जो फॉर्म था ये दोस्तों रिजेक्टेड हो चुका था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया DWO से। 20 मार्च की डेट में इनका रिजेक्ट किया गया शाम को। और दोस्तों, रीजन बोल के क्या बोला गया, मार्क मिसमैच। और यहाँ पे करंट स्टेटस में क्या दिया, अटेंडेंस परसेंटेज 75 से नीचे है इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे बोला DWO ऑफिसर ने। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई वैलिड रीजन नहीं है अटेंडेंस के पीछे छात्रों के जो फॉर्म रिजेक्ट किए जाएं। तो हम आप लोगों को बता दूं इस छात्र ने क्या किया। दोस्तों, इन्होंने अपने कॉलेज में अप्लीकेशन दिया और ये तुरंत अपने कॉलेज में गए और वहाँ से अप्लीकेशन दिया कि मेरी अटेंडेंस के कम वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोगों को बता दूं, आप अपना ये फोटो कॉपी स्टेटस की आप लोग अपने कॉलेज में जाइए तुरंत और ये कॉलेज में दीजिए और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अटेंडेंस वे लोग अपलोड कर देंगे ऑनलाइन और आप लोगों का यहाँ पे ये रिजेक्टेड वाला DWO वाला हट जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों रिजेक्टेड वाला हटने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे कैसा आ जाएगा वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को जब भी रिजेक्टेड वाला हटेगा, दोस्तों यहाँ से जैसे कि रिजेक्टेड हट गया, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आएगा, ऐसा आप लोगों का आएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे ऐसा आ चुका है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से, ये यहाँ से रिजेक्टेड बाई DWO हट चुका है, ऐसे हट जाता है, ठीक है, ऐसे हटेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और नीचे अप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूशन, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम वो करंट में आएगा लेकिन यहाँ से रिजेक्टेड हट जाएगा और यहाँ से डेट भी हट जाएगी और दोबारा से आप लोगों के वेरीफाइड होंगे जाएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को सेकंड स्टेटस हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये स्टेटस देखिए, आप लोग सेम स्टेटस देखिए, अगर जो आप लोगों के ऐसे स्टेटस हैं तुरंत आप अपने कॉलेज में पहुँचिए तुरंत आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन स्टूडेंटों ने अपना फॉर्म को रात को इनका वेरीफाई हुआ था बट इन्होंने आज चेक किया अपना फॉर्म, तो यहाँ
यहाँ पे इनका जो फॉर्म था वो रिजेक्टेड हो चुका था, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया वही है अटेंडेंस 70% मार्क मिसमैच करके रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग तुरंत अपने कॉलेज में जाइए जिनका भी अगर जो आप लोगों को रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये हम आप लोगों को फॉर्म दूसरा दिखाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को देखिए कृपया। आप लोग इन स्टूडेंटों ने फॉर्म को आज चेक किया तो इनका रिजेक्ट हो चुका था, रिजेक्टेड बाई DWO 20 मार्च की डेट में इनका रिजेक्ट कर दिया गया। और दोस्तों रीजन कुछ नहीं दिया गया, इनका सस्पेक्ट में डाटा है, बस इसको इन्होंने देखा और रीजन कुछ ना देके इनका रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे छात्र जो भी हैं तुरंत अपना करंट स्टेटस का फोटो कॉपी अपने कॉलेज में लेके पहुंचें और उनको दिखाएं तो आप लोगों का दोबारा से वेरीफाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हम आप लोगों को स्टेटस दिखाएंगे, बहुत सारे स्टेटस हैं जो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये स्टेटस आप लोग देखिए, कृपया ये स्टेटस देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए इनके स्टेटस में हम बात करें, इन्होंने आज अपने स्टेटस को जब भी चेक किया, ये आज की डेट में इन्होंने अपने प्रिंट आउट किया देखा तो इनका शाम का वो वेरीफाइड की जगह दोस्तों रिजेक्ट हो चुका था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों इनका रिजेक्ट हो चुका था। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने अपने कॉलेज में तुरंत पहुंचे और दोस्तों ये फॉर्म का PDF लेके या फोटोकॉपी लेके ये तुरंत पहुंचे। इनका दोस्तों रिजेक्टेड बाई 20 मार्च को इनको रिजेक्ट किया गया, कोई रीजन नहीं दिया गया और डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट अटेंडेंस कम की वजह से। अगर जो आप लोगों की अटेंडेंस कम है तुरंत आप लोग अपने कॉलेज में अटेंडेंस चढ़वाइए और आप लोगों की रिजेक्टेड वाला सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग घबराएं नहीं और तुरंत अपने कॉलेज में मिलिए जाके। ठीक है, सो आप लोग ये भी फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पे इनका जो फॉर्म है आज इन्होंने यहाँ पे चेक किया था दोस्तों, इनका जो फॉर्म था वो यहाँ पे 19 तारीख को उन्हें चेक किया तो इनका रिजेक्ट हो चुका था। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, अगर जो आप लोगों का रिजेक्ट हुआ है अटेंडेंस की परसेंटेज की वजह से, आप लोग तुरंत अपने कॉलेज में जाइए, अटेंडेंस अपलोड ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन एक मिनट में हो जाती है तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तुरंत आप लोग जाइए। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका हो, जो भी स्टूडेंट है जो छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं कृपया तुरंत आप लोग अपने कॉलेज में जाइए क्योंकि कल लास्ट डेट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय।